मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। इन प्रीवियस लेक्चर यानी पिछली क्लास में हम एक्टिन आयरो की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी की थी। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता। हेडिंग डालना, संकुलन क्षमता। किन के बारे में पढ़ रहे हैं? एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइड, एक्टिनाइडों का रसायन या एक्टिनाइड तत्वों का रसायन तीसरी यूनिट का दूसरा भाग था, दूसरा पार्ट था। तो उसमें संकुलन क्षमता से मतलब क्या है कि जो संकुल हैं वो निर्माण करने की क्षमता कैसी है, वो अच्छे बनते हैं, स्थायी बनते हैं या कम स्थायी बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो एक्टिनाइड हमने देखा कि एक्टिनाइड परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। जो लैंथेनाइड थे वो तीन ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहे थे, +2, +3 एंड +4। ये लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था थी। लेकिन हम जानते हैं कि एक्टिनाइडों को किससे, AN से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एक्टिनाइड है वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, +7 तक ही दिखाते हैं। इस वजह से देखो +7 है तो +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की वजह से ये लैंथेनाइडों की तुलना में इनकी संकुलन क्षमता ज्यादा होती है। किनकी? एक्टिनाइडों की संकुलन क्षमता ज्यादा होती है। वजह क्या है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। फेरबल लिगेंडों के साथ भी स्थायी संकुल बनाते हैं, जैसे इनके जो संकुल हैं वो कार्बोनेट के साथ बनाते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट एंड जैसे हैलाइड, है ना, इनके साथ ही संकुलों का निर्माण करते हैं। जैसे कोई बहुदंतुक लिगेंड है तो उसके साथ बहुदंतुक लिगेंड कैसा संकुल, कैसे संकुलों का निर्माण करा, बहुदंतुक लिगेंड कीलेट संकुलों का निर्माण करते हैं। किसका? कीलेट संकुलों का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कीलेट तो स्थायी होते हैं और एक्टिनाइडों का जो परिवर्तनशील यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, उनके साथ कीलेट संकुल और भी ज्यादा स्थायी होते हैं। कीलेट संकुल कौन बनाते हैं, कैसे लिगेंड बनाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो संकुलन क्षमता में लिखना, संकुलन क्षमता में एक्टिनाइड परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक्टिनाइड परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लैंथेनाइडों की तुलना में इनकी संकुलन क्षमता अधिक होती है, संकुलन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। संकुलन क्षमता के बारे में क्लियर हो गया। किस प्रकार के संकुल बनाएंगे तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिनाइड कार्बोनेट नाइट्रेट ऑक्सलेट लिखना, ऑक्सलेट कॉमा हैलाइड आदि लिगेंडों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना दोबारा, एक्टिनाइड कार्बोनेट
नाइट्रेट, ऑक्सलेट, हैलाइड आदि लिगेंडों के साथ स्थाई संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये बहुदंतीय लिगेंडों के साथ बनाते हैं। आज बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट कभी कभार नहीं पूछा जाता, लेकिन जहां तक मुझे पता है इसमें से ये सवाल ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। तो लिखना, यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एवं अमरीशियम के पृथक्करण का रसायन। गुड मॉर्निंग सर, आपको यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एवं अमरीशियम के पृथक्करण का रसायन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है। तो ये एक्टिनाइड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो क्लास में कवर करवा दूंगा, है ना, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना। कैसे करते हैं देखो, होता क्या है, यूरेनियम जो होता है उस पर न्यूट्रॉन उनमें न्यूट्रॉन विकिरणों का इनमें क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन विकिरित किए जाते हैं इस पर, यूरेनियम पर। जब इस पर विकिरित किए जाएंगे तो क्या होगा, यूरेनियम तो यूरेनियम ही रहेगा, क्या न्यूट्रॉन विकिरित किए जाएंगे। देखो कहां न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब उस पर न्यूट्रॉन आपतित होते हैं, टकराते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक परिवर्तित नहीं होता है, क्या परिवर्तित होता है, उसका भार, परमाणु भार परिवर्तित होता है, यही होता है। तो देखो परमाणु क्रमांक तो वही होगा और भार कितना हो जाएगा, 238 था 239 हो जाएगा। ये बन गई यू यानी 92 यूरेनियम 239। ये बीटा उत्सर्जन करता है, बीटा कण होते हैं उनका उत्सर्जन। देखो असल में कण क्या है, बीटा माइनस है ना, ये माइनस बता रहा है, ये निकल रहे हैं इनकी वजह से। मैंने अगेन नाभिकीय रसायन में ये पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में आपने पढ़ी होगी, है ना। तो बीटा उत्सर्जक होने के यानी बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, इस वजह से परमाणु भार में क्या होती है, इंक्रीमेंट यानी वृद्धि होती है, वृद्धि होगी 93। देखो बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि। तो अगला तत्व यूरेनियम के बाद अगला तत्व तो क्या होता है, नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम और भार, भार तो वही रहेगा, यहां था जो क्या हो जाएगा 239, ठीक है। अगेन फिर ये क्या करेगा, ये फिर बीटा कणों का उत्सर्जन करेगा, बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। तो क्या होता है, 94 प्लूटोनियम, प्लूटोनियम
9 इनका निर्माण होता है। अब ये जो होता है प्लूटोनियम क्या है, बीटा उत्सर्जक ये भी होता है, ये नहीं होता, जब इस पर न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉन कण विकृत किए जाते हैं। कैसे देखो, न्यूट्रॉन कण विकृत होंगे, देखो न्यूट्रॉन कण विकृत होंगे तो क्या बनेगा, क्या परमाणु क्रमांक परिवर्तित होगा, नहीं होगा, क्या बनेगा, प्लूटोनियम 94 और भार परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240, अगेन इस पर न्यूट्रॉनों का विकिरण होगा, यानी जो ये है 94 प्लूटोनियम 239 है इसके ढेर पर न्यूट्रॉन विकृत किए जाते हैं, यानी डाले जाते हैं, जब आपतित किए जाते हैं तो ढेर पर आपतित करवाए जाएंगे तो ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, आगे भी जाएगा। तो क्या हुआ, 94 प्लूटोनियम 241, फिर क्या हुआ, इस पर भी न्यूट्रॉन, तो 94 प्लूटोनियम 242 और कितने हो गए 1, 2 और 3, और इस पर भी क्या होता है प्लूटोनियम पर अगेन न्यूट्रॉन डाले जाए या डलते हैं, मतलब इसके ढेर पर, तो हमें ये मिलते हैं 94 Pu 242, 94 Pu 241, 94 Pu 240 एंड किस पर डाले जा रहे हैं, इस पर विकृत हो रहे हैं, और 94 Pu 243, जो 94 Pu 243 है ये क्या है, बीटा उत्सर्जक होता है, जब बीटा उत्सर्जक है क्या होता है, क्या भार परिवर्तित होगा, नहीं होगा, जो परिवर्तित होगा वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक परिवर्तित होगा, परमाणु क्रमांक परिवर्तित यानी 95, और 95 क्रमांक का परमाणु कौन सा होता है, अमरीशियम 95 243, 95 अमरीशियम 243 इनका निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि इनका इनके ढेर में यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें ये अभिक्रिया ये प्रक्रिया हो रही है उसमें हमें क्या मिलता है, देखो ये भी है, ये भी है, नेपच्यूनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, और प्लूटोनियम के कितने रूप है, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, किससे निर्माण होता है इन चारों का, इससे 94 Pu 239, और क्या निर्माण होता है लास्ट में 94 Pu 243, ये क्या होता है, बीटा उत्सर्जक होता है, देखो इसलिए मैं यहां दिखा देता हूं बीटा उत्सर्जक, नाभिकीय रिएक्टर में ये सब मिलते हैं और इनका पृथक्करण किया जाता है। अब क्या है, ये जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, कहां से कहां, थोरियम से लोरेंशियम तक, है ना, थोरियम से लोरेंशियम तक, थोरियम से लोरेंशियम तक जाने पर जो ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व है वो घटता जाता है, यानी श्रेणी में यानी एक्टिनाइड में बाई से डाई जाने पर ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है, इसी बात का इसी रासायनिक गुण का फायदा उठाकर हमें हम इन्हीं तत्वों को अलग अलग करते हैं। पहले यहां तक लिखते हैं, फिर अवक्षेपण विधि जो पहली विधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां तक लिखो, देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में यूरेनियम की, जहां जो रिएक्शन मैं बोलूं वही लिखना, अभी कुछ मत लिखना, यूरेनियम की नाभिकीय अभिक्रिया से, यूरेनियम की नाभिकीय क्रिया से, यूरेनियम की नाभिकीय क्रिया से नेपच्यूनियम व प्लूटोनियम का निर्माण होता है, नेपच्यूनियम व प्लूटोनियम का निर्माण होता है। उसके बाद ये पूरी सीरीज लिखोगे, ठीक है, 92 U 238 से 94 Pu 239 239 लिखो।
ढेर पर यदि अधिक समय तक न्यूट्रॉन विकिरित किए जाएं, यदि मैं ये बोल देता ना, इसको विकिरित किया जाए, उसका मतलब यही होता है कि न्यूट्रॉन विकिरित किए जाए, है ना। तो अधिक समय तक किस पर, 94B239 के ढेर पर यदि अधिक समय तक न्यूट्रॉन विकिरित किए जाए तो क्रमशः प्लूटोनियम 241 व प्लूटोनियम 243 का निर्माण होता है। और सभी क्या थोड़ी थोड़ी मात्राएं मिलती है ना, का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन 94 PU243 बीटा उत्सर्जक होता है। 94 PU243 बीटा उत्सर्जक होता है। ये लिखना, ये सीरीज लिख लेना, 94 PU243 बीटा उत्सर्जक। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि 95 243 बना, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के साथ नेपच्यूनियम प्लूटोनियम और अमरीशियम तत्व होते हैं, जिन्हें उनके रसायन के आधार पर पृथक किया जाता है। किससे पृथक किया जाता है? यूरेनियम से। रिमेंबर, यूरेनियम से पृथक कर लिया जाता है। और कौन से रसायन के आधार पर पृथक कर रहे थे? ऑक्सीकरण अवस्था अलग होने के आधार, और उनके इस ऑक्सीकरण अवस्था सभी तत्वों के लिए क्या है, किसी के लिए 3 हिस्सा है, किसी के लिए 4, ऐसा नहीं किन्हीं दो तत्वों के लिए 3 हिस्सा ही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देखना, परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनके उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व घटता है। इसी तथ्य का लाभ लेकर इन तत्वों का पृथक्करण किया जाता है। जब हम अवक्षेपण विधि पढ़ें तो उससे पहले एक लाइन लिखो, ठीक है, लिखना, निम्न विधियों द्वारा एक्टिनाइडों का पृथक्करण किया जाता है। निम्न विधि द्वारा इरेज कर रहा हूं ना, हेडिंग डालना, सबसे पहली विधि अवक्षेपण विधि। थोड़ा बता देता हूं ना, जो द्विसंयोजी या चतुर्संयोजी
आयन होते हैं लैंथेनाइड के, उनके दो प्रकार के अवक्षेप बनाए जाते हैं। एक अवक्षेप होता है फ्लोराइड या हैलाइड, ठीक है, फ्लोराइड, और दूसरा होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है फॉस्फेट। इनके रूप में एक्टिनाइडों को अवक्षेपित किया जाता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये जो एक्टिनाइड है इनके साथ, इन लिगेंडों के साथ संकुल बना लेते हैं। जो यूरेनियम की जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं या न्यूट्रॉन विकिरण अभिक्रियाएं हुई थी नाभिकीय रिएक्टर में, उनसे बने उत्पादों को फ्लोराइड, हाँ, उनसे बने उत्पादों को LaF3 संकुलों द्वारा पृथक किया जाता है, इनकी हेल्प से इन्हें पृथक किया जाता है। जो विखंडन उत्पाद होते हैं यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, उनके उत्पादों को BiPO4 की हेल्प से प्राप्त किया जाता है। यहां प्लूटोनियम अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, ध्यान से सुनो, यूरेनियम के जो द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी हैं उन्हें फ्लोराइड व फॉस्फेट के अवक्षेप के रूप में प्राप्त किया जाता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जो यूरेनियम के न्यूट्रॉन विकिरणों से प्राप्त उत्पाद हैं उन्हें तो LaF3 की मदद से पृथक किया जाता है और जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद हैं उन्हें BiPO4 यानी बिस्मिथ फॉस्फेट की मदद से हेल्प से उपयोग से पृथक किया जाता है। इनमें सर्वाधिक मिलने वाला किससे, विखंडन उत्पादों का, जब BiPO4 पृथक्करण किया तो उसमें प्लूटोनियम सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है, प्लूटोनियम, ठीक है। अवक्षेपण विधि इसमें लिखना अम्लीय विलयन से द्विसंयोजी एवं अम्लीय विलयन से द्विसंयोजी एवं त्रिसंयोजी द्विसंयोजी एवं त्रिसंयोजी एक्टिनाइड आयनों को फ्लोराइड व एक्टिनाइड आयनों को फ्लोराइड व फॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में एक्टिनाइड संकुल बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में यूरेनियम के न्यूट्रॉन विकिरणों से बने उत्पादों से नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम को पृथक करने के लिए LaF3 का उपयोग किया जाता है। जब भी
जबकि विखंडन उत्पादों से, जबकि विखंडन उत्पादों से BIPO4, विखंडन उत्पादों से BIPO4 का उपयोग करके पृथक्करण किया जाता है, यहां सर्वाधिक मात्रा में प्लूटोनियम प्राप्त होता है, प्लूटोनियम को प्राप्त किया जाता है ना, प्लूटोनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है दूसरी विधि, विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विलायक निष्कर्षण विधि ध्यान है, विलायक निष्कर्षण विधि, यहां दो विलायकों को जैसे मिलाया जाता है तो उस विलायक में मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज्यादातर कार्बनिक विलायकों का उपयोग किया जाता है, तो उनमें विलायकता अलग अलग होने के आधार एक्टिनाइड संकुल है, जैसे कोई विलायक होगा उसमें मिलाया जाएगा तो उस विलायक में एक्टिनाइड संकुलों की विलायकता यानी वितरण अलग अलग होता है। इसी बात का फायदा उठाकर अलग अलग परतें बन जाती है, इसी बात का फायदा उठाकर इन्हें पृथक किया जाता है। तो दो जो अपने पास वो है, दो कार्बनिक विलायक हैं जिनका एग्जांपल है, पहला है मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन, संरचना क्या होगी, CH3 मेथिल CO कीटोन CH2CH3, ये हो गया आइसोब्यूटिल। देखो ये क्या है, आइसोब्यूटिल मेथिल, ठीक है, और ये कीटोन ग्रुप हो गया, दोनों साइड क्या है CH कार्बन है तो ये कीटोन ग्रुप, यदि H होता तो ये क्या होता है एल्डिहाइड। लेकिन रिमेंबर यहां क्या है आइसोब्यूटिल ग्रुप है और यहां मेथिल है, दोनों साइड क्या है कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्या है कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कीटो समूह है। तो फॉर्मल मेथिल आइसोब्यूटिल पहले थोड़ा सा लिखो फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर दूसरा होगा, दूसरा है ट्राई नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल ब्यूटिल, ब्यूटिल फॉस्फेट है ना, ट्राई नॉर्मल ब्यूटिल फॉस्फेट, इसकी संरचना क्या होती है, देखो एक फॉस्फेट ग्रुप होगा ये रहा फॉस्फेट समूह, ठीक है, अब इससे एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एंड तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है माइनस लगा दूंगा तो फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, तो इन ग्रुपों से क्या जुड़ा होता है नॉर्मल ब्यूटिल समूह होता है, यानी चार कार्बन वाला ब्यूटिल, क्या है चार कार्बन वाला समूह, देखो ये तो ऐसे, और इसे देखो डिस्कस करते हैं। तो विलायक निष्कर्षण विधि
यह विधि एक्टिनाइड आयनों के जलीय एवं कार्बनिक विलायकों के मध्य विलेयता पर आधारित है। कार्बनिक विलायकों के मध्य विलेयता पर आधारित है। इसके लिए मुख्यतः दो विलायकों का उपयोग किया जाता है। पहला है मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन, संरचना बना लेना। और ये क्या करता है? नेपच्यूनियम 4 प्लस, नेपच्यूनियम 5 प्लस, प्लूटोनियम 6 प्लस एंड यूरेनियम 6 प्लस आयनों का पृथक्करण करता है। ठीक है, तो लिखो पहला मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन, इसे हेक्सोन भी कहते हैं। तो संरचना बना लेना और इसमें लिखना, इसके नीचे एक लाइन लिख लो बस। इसके उपयोग से नेपच्यूनियम 4 प्लस कोमा नेपच्यूनियम 5 प्लस कोमा प्लूटोनियम 6 प्लस और यूरेनियम 6 प्लस का निष्कर्षण किया जाता है। डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखना ट्राई नाइन नॉर्मल ब्यूटिल फॉस्फेट, एन ही लिखना, नॉर्मल मत लिखना, पूरा डैश लगा के एन, उसके बाद ब्यूटिल। ठीक है, फॉस्फेट क्लियर। इसे शॉर्ट में देखो TBP, क्या बोलते हैं TBP बोलते हैं। जो TBP है, ट्राई नॉर्मल ब्यूटिल फॉस्फेट है, इसकी श्यानता और घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इसका उपयोग सीधे सीधे नहीं किया जाता डायरेक्टली, इसलिए इसका उपयोग जो है इसके केरोसिन के साथ 20% विलायक तैयार किया जाता है। केरोसिन के साथ 20% विलयन तैयार किया जाता है, उसका उपयोग यानी इसकी श्यानता और घनत्व को कम करने के लिए केरोसिन 20% केरोसिन का विलयन तैयार किया जाता है, फिर उसका उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है। सॉल्व क्या होता है TBP, तो देखना TBP के उच्च घनत्व एवं श्यानता का टर्बिडिटी यानी गहरा यानी गाढ़ा एकदम गाढ़ा उच्च घनत्व एवं श्यानता के कारण इस विलायक को सीधे उपयोग में नहीं लिया जाता केरोसिन से इसका 20% विलयन बनाकर उससे निष्कर्षण किया जाता है। क्लियर, तो आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।